तो कैसे हैं मेरे सभी एनपीएल के दीवाने आई वेलकम यू ऑल इन अनादर के जुलॉजी रॉयल के आज हम लास्ट चैप्टर पर आ गए जी हाँ स्टूडेंट्स हमने जुलॉजी के सारे फिफ्टीन चैप्टर्स कवर कर लिए हैं फोर्टीन हो गए हैं और आज हम लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ट्वेंटी ट्वेंटी खेलेंगे ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स एपिथिलियम के टाइप्स पे कॉमनली क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ए का देखते हैं टू है या फोर है लंबे लंबे पतले पतले सेल्स भाई ये तो कॉलमनार एपिथिलियम है यानी ए का टू है एम साथ में है ही के है या एम है ये देख लेते हैं क्योंकि अगर के होगा तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा तो कॉलमनार सेल्स ब्रॉन्क्यूल्स में नहीं कॉलमनार सेल्स स्टूडेंट हमारी पूरी इंटेस्टीन यानी पूरी जी आई स्टमक इंटेस्टीन सब में मिलते हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता है बी बिल्कुल मत चेक करो देखो बिल्कुल सेम है सी यहाँ तक मत चेक करो सेम है सीधे ये देखो कि सी का के है या एल है सी है सीलिया सिलियेटेड एपिथिलियम सिलियेटेड एपिथिलियम ब्रोंक्यूल्स में होती है पीसीटी डीसीटी में नहीं होती पीसीटी में आ, आ, ब्रश पाउडर एपिथिलियम होती है माइक्रोविलाई होते हैं पर सीलिया नहीं होते हैं तो सी का के हो जाएगा सी का सिलिएटेड एपिथिलियम और के यानी ब्रॉक्यूल्स तो ये लो आंसर आ गया आप देखो कॉम्प्लिकेटेड था और हमने कितने इजी वे में पढ़ा वरना क्या होता हम पूरा पहले सॉल्व करते फिर मैचिंग करते और पता पड़ा एक भी इधर का उधर होता तो गड़बड़ हो जाती तो खैर यहां पर आंसर आ गया हमारा ए अब आइए हम चेक कर लेते हैं अब बहुत इजी है हमारे लिए फ्लैट सेल्स विथ इरेग्युलर बाउंड्री सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम की बात हो रही है और ये ब्लड वेसल्स की वॉल एलव्यूलाय बोमन कैप्सूल यहां मिलती है क्यूब लाइक सेल्स हो गए क्यूबॉइडल और क्यूबॉइडल पीसीटी डीसीटी जर्मिनल एपिथिलियम इन सब में होती है ना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट मैंने अभी कहा पीसीटी डीसीटी एंड जर्मिनल एपिथिलियम क्यूबॉडल है ए ट्रू है तो ये आंसर नहीं हो सकता है स्ट्रेटिफाइड मल्टीलेयर्ड है भाई इसका तो मेन काम प्रोटेक्शन ही होगा नेचुरल सी बी भी करेक्ट है एक्चुअली बी देखना ही नहीं चाहिए था सिलिएटेड एपिथिलियम ट्रेकिया और फैलोपियन ट्यूब में मिलेगी बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल ट्रू है तो ये भी नहीं होगा ट्रांजिशनल एपिथिलियम रीनल पेल्विस एरिया में मिलेगी बेटा हाइलम के पास में और यूरेटर में मिलेगी ब्लैडर में मिलेगी जहां पे स्ट्रेचिंग होनी है तो ए बी सी सही है ये रॉन्ग हो गया नाउ जंक्शन पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है इंटरकैलेटेड जंक्शन टाइट जंक्शन है जंक्शन सिनेप्टिक जंक्शन गैप जंक्शन जंक्शन जो एपिथीलियम में मिलते हैं सो टाइट जंक्शन मतलब ये किसी चीज को जाने नहीं देंगे लीक नहीं होने देंगे ए का थ्री क्वेश्चन सॉल्व ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया गैप जंक्शन कुछ गड़बड़ हुई है बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ये तो टाइट जंक्शन है ए का थ्री होगा ठीक है हाँ एडियरिंग जंक्शन हो गया सीमेंटिंग जंक्शन और गैप जंक्शन हो गया जो कनेक्शन हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे और साइनाप्टिक जंक्शन जैसे कि केमिकल साइनाप्स होता है तो देखा आपने मैच द कॉलम में ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना एनसीआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये क्या है देखो जो भी ऐसा दिख जाए ये तो डब्ल्यू है या मैक्रोफेज है जो फैगोसेटिक है सेल को पकड़ के खाएगा तो ए है मैक्रोफेज ए है मैक्रोफेज ना कि मास्ट सेल ना कि मास्ट सेल चलिए अब बी क्या है ये क्या है ये फाइब्रोब्लास्ट है फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट हाँ उससे जो निकल रहे हैं ये कोलाजिन के धागे हैं प्रोटीन के तो सी कोलेजन है और ये है मास्ट सेल क्या बनाता है सिरोटोनिन हिस्टामिन एंड हिपैरिन वही जो ब्लड के अंदर बेसोफिल्स बनाते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्टली मैच पेयर हमने पढ़ा है बी टी एम बहनजी टर्न मॉडर्न बेहनजी टर्न मॉडर्न यानी बोन को मसल से जो कनेक्ट करता है वो टेंडन होता है ये रॉन्ग हो गया है हाँ एडिपोस टिश्यू बिल्कुल लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो फैट स्टोर करता है एरियोलर टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज गलत बिल्कुल गलत ये सब कुछ बोन के बारे में लिखा हुआ है कार्टिलेज मोड़ा जा सकता है आपके कान कितनी बार ही मरोड़े गए हैं तो आंसर हो जाएगा टू नाउ एंडोक्राइन क्या करते हैं हॉर्मोन ये लो जी ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया <laughs> में सिंगल टॉल एंड स्लेंडर लंबे पतले सेल्स की ड्राई सरफेस ऑफ स्किन जैसे हमारी एपिडर्मिस को कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम कवर करेगी और सीमेंटिंग का काम अडियरिंग जंक्शन करेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमें डायग्राम आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में करेक्ट बातें बतानी है ये किसका डायग्राम है बेटा ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है अगर ये कार्डियक मसल होती तो उसमें ऐसे 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 ब्रांचिंग दिखती है अपने को अगर ये स्मूथ मसल होती अगर ये स्मूथ मसल होती तो वो ऐसी सिंगल सिंगल और ऐसे बेलन जैसी फ्यूजी फॉर्म दिखती यानी ये है स्केलेटल मसल ये स्मूथ मसल नहीं है कार्डियक मसल नहीं है हाँ स्ट्राइशंस भी होते हैं यस ये गलत है ये स्मूथ मसल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा इसके बारे में ये बात सही है ये बात सही है ठीक है बोन्स ऑफ द रिब्स नहीं हां बोन्स बोन्स बिल्कुल ये दो बातें सही हैं पर ये फॉल्स है इसीलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम स्टूडेंट जी ए बी है, है ना ए बी सी एंड डी अब करते हैं इसे सॉल्व ठीक है चलो सॉरी 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 वन सेकेंड मतलब एक मिनट रुकिए ये ए है सारे ठीक है ठीके? ये बी है ठीक है ये सी है और ये डी अपन काम करते हैं ना इसको और इजी बना देते हैं यहां चेंज करने की जगह मैं यहां चेंज कर देती हूं पी क्यू आर एस अब सॉल्व कर लो चलो ब्रश पाउडर दो जगह होती है ध्यान रखना एक स्मॉल इंटेस्टीन में और एक पीसीटी में स्मॉल इंटेस्टीन में और पीसीटी में यहां पीसीटी हो जाएगा ये लोग खेल खत्म खेल खत्म आ जाओ चेक कर लेते हैं कंपाउंड एपिथिलियम हमारे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन मॉइस सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी में पीसीटी में क्यूबॉइडल बॉइडर है और सेम वैसे ही जर्मिनल एपिथिलियम भी होती है और सिंपल स्क्वास वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में हो जाएगा आंसर आ गया टू वो तो हमारा पहले ही आ गया था नाउ यहां पर हमें डायग्राम पता करना है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ग्राउंड सब्सटेंस नॉन प्लायल और हार्ड है नॉन प्लायबल मतलब मुड़ नहीं सकता है ये कार्टिलेज है और कार्टिलेज तो प्लायबल होती है यानी ये नहीं हो सकता है इसके अलावा ये जो सारी बात कर रहे हैं ये बोन से रिलेटेड है और बोन सेल यहां पर ये बोन का डायग्राम है ये दोनों डेंस टिश्यू हैं ये डेंस रेगुलर एंड डेंस इेगुलर पर ये बातें बोन के बारे में इसमें कोलाजिन फाइबर्स हैं कैल्शियम सॉल्ट्स हैं जो इसे हार्ड बनाते हैं और ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है तो खैर इट इज आंसर इज बी फॉर बॉम्बे ना करेक्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन बताना है हमें बोन के बारे में बोन हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस है बिल्कुल ट्रू ए ट्रू है एक्चुअली मुझे ए देखना ही नहीं था मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट ये गलत है कोलेजन फाइबर्स भी बहुत सारे होते हैं यानी बी फॉल्स है तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं बोन मैरो इन सम बोन सारे में नहीं कुछ बोन्स एनसीआरटी की लाइंस है उसमें ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर होगा जरूर डी भी ट्रू होगा बोन इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट आर करेक्ट स्टेटमेंट्स नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉकरोच का बताइए क्या है ये है इसके सलाइवरी ग्लैंड ए है सलाइवरी ग्लैंड ये ईसोफेगस के बाद गिजार्ड आएगा जहां पर वो सॉरी क्रॉप क्रॉप पहले क्रॉप आएगा जहां पर फूड स्टोर होता है तो बी क्रॉप है बी क्रॉप है उसके बाद गिजार आएगा जहां पे ग्राइंडिंग होगी यहां पर फोर गट कंप्लीट हो जाएगी और मिडगट के जंक्शन पर हिपैटिक सीकी होंगे फिर मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ये मालपीगियन ट्रिब्यूल्स है, है और, के अंदर इलियम, और आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट यानी फॉल्स पूछा है फीमेल कॉक्रोच के पास में दो ओवरी है, दोनों ओवरी में एट एट यानी टोटल सिक्सटीन ओवर है कंपाउंड आई है टू थाउजेंड ओमा है स्टूडेंट सेंसिटिविटी तो बहुत हाई है आपका पाँव की उंगली क्या कर रही है वो भी पता कर सकते हैं पर ज्यादा क्लियर इमेज नहीं बनती कॉकरोच में मिलता है और फीमेल कॉकरोच के सिक्स सेगमेंट में वन पेयर स्पर्मा थी है जिसमें मेल कॉकरोच अपने स्पर्म के पैकेट डिपॉजिट करते हैं नाउ बिडर कैनाल ये जैसे किडनी है इधर यूरेटर्स हैं इधर क्लोइका होगा जिसमें ये यूरेटर ओपन हो जाएगा क्लोइका में यूरेटर ओपन होता है और क्लोइका में अलग से ब्लैडर भी आता है यूरिनरी ब्लैडर नाउ यहां पर ये टेस्टिस ओवॉइड येलो कलर के टेस्टिस हैं जिसके तारों तरफ मिजोरकियम पेरिटोनियम की डबल फोल्ड भी है टेस्टिस में स्पर्म्स बने यहां से वासा इफरेंशिया आई वासा इफरेंशिया स्पर्म्स को लेकर और यहां किडनी के अंदर बिडर कैनाल के अंदर इन्होंने स्पर्म को डाला और फिर बिडर कैनाल में यूरिन भी आई और ये दोनों चीजें फिर यूरेटर में आ गई जिसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट तो बिडर कैनाल किडनी के अंदर है इट इज इन साइड द किडनी इन मेल फ्रॉक्स नाउ अमंग द फॉलोइंग विच इज इन करेक्ट मेल फीमेल दोनों में ही होती है बिडर कैनाल चलो फॉल्स फॉल्स पूछे आजो. फीमेल फ्रॉग में ओवरी किडनी के पास है बिल्कुल टेस्टिस ओवरी दोनों किडनी के पास होते हैं पर ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता ओवरी के ओवा को फैलोपियन ट्यूब ओवरी पिकअप करके और क्लोइका में खुलती है किडनी का कोई रोल नहीं आता मेल में किडनी का रोल आता है मेल में टेस्टिस से आएगी किडनी में एंटर होगी बिडर कैनाल में ओपन होगी फीमेल में ओविडा क्लोइका में ओपन होगी मेल में बिडर कैनाल जो है वो यानी यूरेटर के साथ कम्युनिकेट करेगी ना मेल फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे देखो मेल के पास में वोकल सैक है ट्र की आवाज निकालता है और मेल के फोर लिम के पहली डिजिट पे कॉप्यूलेटरी पैड्स होते हैं ताकि फीमेल को जंप करके पकड़ के कॉप्यूलेशन हो सके बोथ Now, का मैंने अभी -अभी कहा था टेस्टिस के चारो मीजो ओवेरियम मीजो वेरियम फोल्ड होता है नाउ स्किन ऑफ पुराना डिग्री ना स्मूथ एंड स्लिपरी रहती है बिल्कुल तेल लगा मेडक मेडक हाथ में पकड़ो के फिसल जाएगा एप्सल्यूटली क्योंकि यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स है जिनसे म्यूकस निकलता है बिल्कुल सही है और डेट्स वाई लगाकर या बिकॉज लगा के पढ़ो म्यूकस रिलीज होता है इसीलिए स्किन हमेशा स्मूथ एंड स्लिपरी रहती है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाउ फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइड फ्रॉग के लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाया है फ्रॉग इंसेक्ट्स खाते हैं और इंसेक्ट्स खाएंगे तो जो कीड़े फसल खराब कर देते क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते वो मर जाएंगे यानी क्रॉप्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल ट्रू अब यहां पे करो क्योंकि हमारा खाना खराब नहीं हो रहा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फ्रॉक के ऊपर बात कर लेते हैं फ्रॉक की बॉडी के टू पार्ट होंगे हेड एंड ट्रंक टेल नहीं होगी नेक नहीं होगी सैलिंडर्स में हालांकि टेल मिलती है तो डी का थ्री है ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं आपको पता है फ्रॉक के फोर लिंब में फोर फिंगर्स हैं हाइंड लिंब में फाइव फिंगर्स हैं होती हैं ताकि पानी में भी रह सके आपको देखने की जरूरत ही नहीं है अब इसमें स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं बेटा ध्यान रखो फ्रॉक का जो ऊपर का सरफेस है उस पे धब्बे धब्बे हैं और नीचे का सरफेस एकदम हल्के पीले रंग का है अपर को डॉर्सल बोलते हैं तो डॉर्सल सरफेस ऑलिव ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं ए का टू होगा ए का टू होगा ए का टू और वेंट्रल सरफेस जो है वो पेल येल्लो है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अपना मिस हो जाता है नाउ लास्ट क्वेश्चन करेक्ट बताना है पेरी प्लेनेटा यानी कॉकरोच के अंदर मालपीगियन ट्रिब्यूल के बारे में सी की फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर है सिक्स टू एट इन नंबर डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं पर मालपीगियन ट्रिब्यूल मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर है हंड्रेड से वन फिफ्टी होते हैं ये बात जो दिखी गई है सिक्स टू एट ये ये सब उल्टा सीधा लिखा हुआ ये सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सो माय डियर डियर स्टूडेंट्स विद दिस वी कंप्लीट टूडेज एनपीएल आज का नीट प्रीमियर लीग का सेशन भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ जुलॉजी रॉयल्स के अंदर भी सारे जुलॉजी कंप्लीट होती है आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके नीट के लिए शांति से एग्जाम दीजिएगा ईश्वर पर भरोसा रखिए जो पूरे साल पढ़ा है सब याद आएगा बस सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अच्छे से नींद लीजिए आइस को स्ट्रेन मत दीजिए अब रिलैक्स करिए ताकि आइस की मसल्स रिलैक्स आप रीडिंग में गलती ना करें क्वेश्चन के टाइम पर दस ग्यारह बजे सो जाइए दस साढ़े दस बजे सो जाइए सुबह छह सात बजे उठिए ताकि दिन का जो बारह से छह का टाइम है आप फुल्ली अलर्ट और एक्टिव माइंड के साथ पेपर दें मेरी ब्लेसिंग्स है कि आप सब स्टेथोस्कोप एप्रन और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को इस साल अचीव करें गॉड ब्लेस यू थैंक यू एवरीवन। हेलो 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 बच्चो बाबो नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का एनपीएल के सेशन में तो आज हमारा एल्कोहल इतर फिनॉल का एनपीएल सेशन है चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ठीक है अपनी टीम का तो पता ही है सी अपनी टीम ठीक है चलो पहला सवाल है आपके सामने आपको चाहिए इसमें प्रोडक्ट बी ठीक है तो ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट बी इसमें क्या होगा जब मैं ओजोलिस करवाऊंगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ओवरओ से ठीक डबल बॉन्ड ओवर ओ से ब्रेक कर देंगे तो ए बन जाएगा एच और एच से और इसका पाई बॉन्ड टूटेगा एच और एच से यानी कि आर सी एच टू ओ एच देखो प्रोडक्ट में दोनों दे रखे तो हम दोनों लेके चलेंगे और एच सी एच टू ओ एच यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं सी एच थ्री ओ एच सही बात है तो ये आ जाएगा आर सी एस टू ओ एच और सी एस थ्री ओ एच ऐसा दिखेगा ये डोलकपुर आंसर आ जाएगा क्लियर है एकदम चलिए आप लोग ना पॉज करके ट्राई भी कर लेना अगला सवाल है देखें जरा क्या कह रहे हैं फिनॉल इज वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड फिनॉल क्या कह रहे हैं वीकर एसिड है किससे एसिटिक एसिड से और ये बात एकदम सही है क्योंकि इसमें जब H प्लस निकालोगे तो पी एच ओ नेगेटिव बनेगा और इसका H प्लस निकालोगे तो सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो

बिल्कुल करेगा क्यों क्योंकि इसके पास लोन पेयर है पहले एटम के पास लोन पेयर तो प्लस एम होता है और प्लस एम और तो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं सही बात है एनिसोल इज लेस रिएक्टिव देन टू ये भी सही है तो असरसन भी सही है और रीजन भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन कैसे सही है अगर मैं एनिसोल की बात करूं तो इसमें ओ है और फिनॉल की बात करूं तो ओ OH एच है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है ओ OH एच का प्लस एम ओ से ज्यादा होता है अगर मैं प्लस एम पावर की बात करूं OH का प्लस एम पावर ओ सी एस थ्री से ज्यादा होता है यानी कि एनिसो लेस रिएक्टिव है ये भी सही है पहला भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सप्लेनेशन तो ये होता है कि ये प्लस एम होता है तो पैरा तो पैरा डायरेक्टिंग होता है है इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है, ये और, तो और पर अगला सवाल मेजर प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन ये है आर टी आर है और अगर ऑर्थो तो पे कोई ग्रुप होता है तो पैरा पर मेजर बनता है तो इस जगह पर सीएचओ आ जाएगा ठीक है तो यहां मैं एच लगा देता हूं सी आएगा तो सी एच आएगा इसमें ऑर्थो पे नहीं आएगा मेटा पे नहीं आएगा ऑर्थो पे नहीं आएगा

डी नहीं कर रहा बी करेगा सही बात है, है इसका बेर्स के साथ तो आ जाएगा डायोल ठीक तो तो और, और तीन और एक चार कार्बन है चार कार्बन है सी आ जाएगा यहां तो तीन चार पांच कार्बन आ रहे चार कार्बन होना चाहिए ठीक है अगला सवाल देख लीजिएगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे व्हाट इज बाय बाय चाहिए तो b2x6 एस्टीमेट oh- पानी का एडिशन करेगा एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल लगाएगा ये सही बात है तो आइसोप्रोपाइल ऐसा ऐसा ये आ जाएगा oh और h2so4 140 डिग्री पर ईथर बनाता है ये मतलब इसके दो मोल लेकर पानी निकाल देंगे इसके दो मोल लेकर पानी निकाल देंगे इस तरीके से तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा ईथर बन जाएगा ये ठीक तो आगरा आंसर आ जाएगा वाटर के रिमूवल पर

चलिए अगला सवाल देखेंगे अच्छा तो मुझे ऑर्डर लिखना है तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा फिर थ्री वाला फिर टू वाला फिर वन वाला आ आ जाएगा फोर, थ्री, टू, वन, आ जाएगा आंसर बी अगला देखें आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इथेनॉल होता है ऐसा पीबीआर थ्री क्या करेगा ओ एच हटा के, के बी आर लगाएगा एल्को केबल बॉन्ड सी एस टू हो जाएगा और एस टू एस एक्सप्रेस देकर कार्बोटाइन बनाएगा इसका ठीक है और पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच यहां पर आ जाने वाला है यहां पर इन्होंने हीट लिख रखा है वैसे यहां पर हीट देना नहीं चाहिए था तो मैं हीट हटा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए सिलेक्ट करना है ना तो इथेनॉल आ जाएगा इसका आंसर बी आ जाएगा है ना अगला देखें फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एच बी आर एक्सेस में है तो ये चेक कर लो इसका लोन पेयर यहां रेजोनेंस में यहां नहीं है तो इधर से टूटेगा ये एच आएगा और ये बी आर आ जाएगा तो इधर ओ एच और इधर बी आर आ जाएगा

तो आपको ऐसा दिखेगा यहां कार्बो और पानी आ जाएगा तो ए आपका जो बन जाने वाला है वो बनेगा ऐसा यहां ओ OH एच आएगा इधर ही आएगा एसओ सी एल टू क्या करेगा सीएल लगा देगा ठीक यहां पर सीएल और के क्या करेगा कॉन्जुकेटेड अल्किन बनाएगा क्योंकि स्टेबल रहेगी ऐसा दिखेगा ठीक है कॉन्जुकेटेड अल्किन बनेगी और अंदर की तरफ दो डबल बॉन्ड आएंगे ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है डी वाला दिख रहा है आपको ठीक है अगला सवाल देखेंगे ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बाय

अगर यहां पर C -C -L -3 था तो बनता है 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 तो बनता और यहां दोनों बनते हैं और, भी बनता है, और भी बनता है, तो डायरेक्ट सीसीएल फोर में तो अटैक हो जाता है और सी एल हटकर सीसीएल थ्री लग जाता है यानी कि रीजन इसका गलत है असरसन इसका करेक्ट है ठीक है अगला देखेंगे

अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अगर मैं अल्काइल ग्रुप बढ़ाता हूं तो मेरा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना तो वन डिग्री में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री ये आ जाएगा आपका एल्कोहल में अगर देखा जाए तो बात कर रहा हूँ एल्कोहल में देखा जाए तो बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये आ जाएगा आंसर है ना क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एनपीएल के सेशन में मिलते हैं बेटा तब तक के लिए ओके okay, बाय नमस्कार आदाब सत श्रीकाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन वाला चैनल पे और हमारी जो एन की सीरीज चल रही है इसका हमारा फिजिक्स या फिजिक्स टाइटन्स टीम का एक लेक्चर हमारा पेंडिंग है तो जिसको हम यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर कर पा रहे होंगे तो चलिए देखते हैं कि आज हमें किन किन चैप्टर्स का सामना करना है तो पहली जो बॉल है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की आएगी अगली बॉल मोशन इन अ प्लेन की आएगी अगली बॉल बॉल वेक्टर्स की आएगी और अगली यूनिट्स एंड की आएगी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इनके फॉर्मूले सारे जो है रिवाइज कर रखे होंगे ताकि इनके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए तो अपने साथ कॉपी पेन ले के बैठेगा पूरे जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं कहीं पे क्वेश्चन लिखने मत बैठ जाना बस सीधा क्वेश्चन देखो सॉल्व करो एक्सपेक्टेड uh, क्वेश्चन चार से छः हैं टोटल चार चैप्टर्स हैं और चार चैप्टर्स में से ऐसा हो सकता है चार ही सवाल आए ऐसा भी हो सकता है ऐसा हो सकता है छ आ जाए मतलब किसी किसी चैप्टर में से दो आ जाए मतलब लीस्ट वो है कि भाई चार छः से ऊपर तो नहीं जाएंगे है ना और चार से कम नहीं जाएंगे एक एक तो आ ही जाएगा चलिए पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा पावर प्ले तो पहला सवाल देखते हैं स्मॉल टॉय toy फ्रॉम द next ऑफ seconds देखिए भैया ऑप्शन आपके सामने है दस मीटर बीस मीटर तीस मीटर चालीस मीटर आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं लेकिन मैं यही आपसे चाहूंगा कि वीडियो को पॉज ना करें जिस तरीके से करते थे बिल्कुल वैसे ही जो है इसको करना है आपको ठीक है नहीं? हाँ मेरे करने से पहले कर देना है अब यहाँ पे ठीक है पोल नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने आप टाइमर सेट कर सकते हो कि अपने को इतनी देर में करना है और आप उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एक स्मॉल टॉय है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो यू उसका जीरो है और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है ठीक है ना एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है और वो पहले टी सेकेंड के अंदर पहले टी सेकेंड के अंदर दस सेकेंड मूव दस मीटर मूव करता है ठीक है ना अगला जो टी सेकंड होता है उसमें वो कितना मूव करेगा ये आपसे पूछा गया है ठीक है ना पहले जो टी सेकंड बीत गए पहले जो टी सेकंड बीत गए उसमें वो दस मीटर मूव कर रहा है ठीक है जी और अगले टी सेकंड में आपको बताना है कि वो कितने मीटर मूव करेगा इसमें गैलीलियो का लॉ लगता है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑर्ड नंबर वन रेशो थ्री रेशो फाइव रेशो सेवन इस तरीके का लॉ लगता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकंड वाला लॉ जिसमें हम इसमें बस शर्त यह होती है कि यू जीरो होना चाहिए और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ठीक है ना तो पहले सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसके बाद जो दूसरे में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फिर जो तीसरे में हुआ फिर जो चौथे में ट्रेवल हुआ उसका रेशो ये होता है और यह सिर्फ एक एक सेकंड के इंटरवल के लिए वैलिड नहीं होता किसी भी इंटरवल के लिए वैलिड होता है जैसे मान लो ठीक है ना यहां पे अब इसका जवाब क्या आएगा ठीक है ना इन दोनों डिस्टेंसेस की रेशो वन रेशो थ्री होगी ठीक है ना अगर ये टेन मीटर है तो ये कितना होगा? थर्टी मीटर होगा। थ्री टेन और कुछ नहीं करने वाले इसमें हम कुछ और सॉल्व नहीं करने वाले ये कब कब वैलिड होता है एक एक सेकेंड इंटरवल हो तो भी वैलिड होता है दो दो सेकेंड का तीन तीन सेकंड इंटरवल हो तो भी वैलिड होता है जैसे मान लो पहले दो सेकंड में पार्टिकल ने दस मीटर मूव किया अगले दो सेकंड में तीस मीटर मूव करेगा अगले दो सेकंड में पचास मीटर मूव करेगा ठीक है जी अब मान लो पहले पांच सेकेंड में पार्टिकल ने बीस मीटर मूव किया पहले पांच सेकेंड में बीस मीटर मूव किया तो अगले में तीन गुना अगले पांच सेकंड में तीन गुना साठ मीटर ठीक है ना वन रेशो थ्री रेशो फाइव ठीक है ना अगले पांच सेकंड में गुना क्योंकि तो फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव इंटू बीस सौ मीटर समझ रहे हो रेशो वही रहेगा तो रेशो वही रहेगा चाहे इंटरवल कोई भी हो चाहे दो सेकंड का इंटरवल हो पांच का इंटरवल हो है ना सेकंड का इंटरवल हो बस दो शर्तें हैं इसके लिए यू जीरो होना चाहिए और एक्सेरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए ये मेन बात है बस ये देख लेना अगर ऐसा है तो गलीलियो का लॉ लग जाएगा ठीक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए t t t Then dx dt at क्स टू अंडर रूट एक्स प्लस second टी dx dt निकालना है यानी कि velocity निकालनी है भाई। Option आपके सामने है ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या करेंगे भैया बहुत आसान है is equals to under root x plus फोर है तो t minus फोर is equals to under root x. एक्स आ जाएगा हमारे पास टी माइनस फोर का होल स्क्वायर है ना एक्स हमारे पास आ जाएगा टी माइनस फोर का होल स्क्वायर अब इसमें वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो डी एक्स बाई डी टी करोगे जो कि उन्होंने बोला भी हुआ है तो पावर टू आगे आ जाएगी और टी माइनस फोर ठीक है ना पावर टू आगे आ जाएगी टी माइनस फोर और टी माइनस फोर का दोबारा डिफरेंशिएशन बाय द चेन रूल ठीक है ना टी का टी के रिस्पेक्ट में वन फोर का जीरो ठीक है ना तो ये टू इंटू टी माइनस फोर ये वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास आपसे कितने सेकंड पे पूछे गई है चार सेकंड पे लिखा हुआ है तो करो कितनी आ गई जीरो पे वेलोसिटी कितनी होगी भैया जीरो होगी ठीक है नहीं क्लियर है बहुत आसान सवाल है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगला सवाल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस एफ टी स्क्स टू जीरो अगर अगर वेलॉसिटी दी हुई है तो अगर उसकी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन कैसे होगा वेलोसिटी को लिखो dx dt, तो ये dt उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों से मल्टीप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट dt, dt, निकालनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे वी नॉट तो कांस्टेंट है dt का इंटीग्रेशन होगा यहां पे g कांस्टेंट है t dt इंटीग्रेशन और यहां पे t dt, ठीक है जी? तो ये dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा टी और uh, G T, D, T ka, T two, है जी टी डी का है है ना और, और है? है लिमिट तो क्या रखेंगे, रखेंगे भैया इसमें आपको लिमिट भी रखनी पड़ेगी भैया जीरो से वन इसमें भी जीरो से वन और इसमें भी जीरो से

आप अपने दिमाग में ही कर सकते हो ठीक है ना मतलब अगर प्रैक्टिस हो गई अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है तो ऐसा इंटीग्रेशन दिमाग में ही हो जाता है कि टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू इसका टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाय थ्री तो आपको पता चल जाता है इसमें नीचे टू आएगा इसमें थ्री आएगा तो ये देखो ये नीचे टू वाला ऑप्शन ये नीचे थ्री वाला ऑप्शन आप ध्यान से उसी टाइम आपकी नज़र चली जाएगी इसमें और आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वाली बात है नहीं और लिमिट जीरो से वन है ठीक है ना लिमिट जीरो से वन है अगला सवाल थोड़ी सी ऑफ स्पिन बॉलिंग खेलते हैं पावर प्ले खत्म हो गया है ऑफ स्पिन बॉलिंग की तरफ आते हैं। सवाल सवाल देखिए। नंबर देखिएगा जरा। सेम कार इज मूविंग स्पीड ऑफ वन थर्ड द रिपोर्टेड स्पीड इट विल स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ देखो भाई एक कार है ठीक है जी वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है स्पीड दे भी रखी है आपको 150 किलोमीटर पर आवर ठीक है ना उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है सच बताऊं इस वैल्यू की जरूरत है नहीं आपको पता चल जाएगा ये रुकती है कितने डिस्टेंस पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है कितने डिस्टेंस पे जाके देखो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बाय टू एक्वायर बाय टू ए तो जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ठीक है ना एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है ठीक है ना एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है यह यहां से आता है इसमें अगर आप वी जीरो पुट करोगे वी की वैल्यू जीरो पुट करोगे आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा तो अगर आपको माइनस में लिखना है तो आप माइनस में लिख लो ठीक है जी ओके okay. <coughs> तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर के ठीक है ना तो अब एस टू बाई एस वन इज टू यू टू बाई यू वन का स्क्वायर अब इन्होंने कह रखा है कि अब जो बाद की जो वेलोसिटी है वो वन थर्ड है पहले की वेलोसिटी की ठीक है ना शुरू में उसकी 150 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी ये तो हो गया यू वन ठीक है ना तो ये यू वन हो गया तो यू टू जो है वो है ठीक है जी यू टू जो है वो यू वन बाई थ्री है तो यू टू बाई यू वन कितना आ गया वन बाई थ्री ठीक है जी वन बाई थ्री आ गया तो वन बाई थ्री यहां पर रखेंगे वन बाई थ्री का स्कन बाय नाइन ठीक है ना वन बाई नाइन तो एस टू आ जाएगा एस वन बाई नाइन तो पहले का डिस्टेंस कितना ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन बाई नाइन यानी कि थ्री मीटर मूव करेगा वो रुकने से पहले रुकने से पहले अगर वो पहले ट्वेंटी सेवन मीटर चल पा रहा था रुकने से पहले ब्रेक लगाने के बाद तो अब सिर्फ थ्री मीटर वो चल पा रहा है क्लियर है ये मतलब मेन इस क्वेश्चन की बात ये है ठीक है है ना ये मेन चीज क्वेश्चन की बस ये सीधा लगाए सीधा सीधा आंसर पाए ठीक है ना सिंपल सी बात है कैलकुलेशन कर सकते हो बट सवाल है बिना उठाए कर सकते आप, हो गई, third, ना थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन तो ट्वेंटी सेवन बाई नाइन थ्री बस यही करना है समझ गए अगला सवाल थोड़ी सी गुगली है ध्यान से पढ़िएगा और फिर सवाल का जवाब दीजिएगा हल्की सी गुगलियां आपको घुमाने की कोशिश की गई है घूमना नहीं है भैया ठीक है ना घूमना नहीं है देखिएगा सवाल अब बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ठीक है ना बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉम्ब इज देखो यार ध्यान से सुनो ठीक है ना बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है एक फाइटर प्लेन से ठीक है ना और फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है ठीक है 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 ना फाइटर प्लेन जा रहा इसमें से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है। तो वो सीधा नीचे आना चाहिए लेकिन होगा नहीं ऐसा क्योंकि प्लेन आगे जा रहा है तो प्लेन जब आगे जा रहा है तो बॉम्ब के पास भी है ना बॉम्ब के पास भी प्लेन वाली वेलोसिटी होगी होगी कि नहीं होगी तो जो प्लेन की वेलोसिटी है वो बॉम्ब के पास भी होगी ठीक है ना तो बॉम्ब ऐसे जाएगा जब उसको फेंकेंगे तो बॉम्ब ऐसे जाएगा यहां पर जाके गिरेगा टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द दी ऑफ द बॉम्ब इज देखो यार अगर ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछता कि ग्राउंड से इस बॉम्ब की कैसी दिखेगी तो आप बोलते पैराबोला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पैराबोलिक होती जैसी दिख रही है आप लेकिन प्लेन में बैठ के कैसी दिखेगी देखो प्लेन में बैठ के मैं आपको बताता हूं ये बॉम्ब के पास कौन सी वेलोसिटी है यू आगे की तरफ ठीक है ना और प्लेन के पास कौन सी वेलोसिटी है यू आगे की तरफ तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि बॉम्ब और प्लेन एक दूसरे के हमेशा ऊपर रहेंगे एक दूसरे के हमेशा ऊपर रहेंगे क्योंकि जितनी वेलोसिटी से बॉम्ब प्लेन जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी से बॉम्ब भी जा रहा है तो प्लेन अगर थोड़ा सा आगे पहुंच गया उसकी वेलोसिटी यू है उतनी ही वेलोसिटी बॉम्ब की भी होगी प्लेन थोड़ा सा और आगे पहुंच गया उतनी ही वेलोसिटी बॉम्ब की भी है तो जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लेन के पास है उतनी ही बॉम्ब के पास है तो हमेशा जो बॉम्ब होगा वो प्लेन के नीचे होगा हमेशा जो बॉम्ब होगा वो प्लेन के नीचे होगा तो प्लेन में बैठे हुए इंसान को ऐसा लगेगा कि बॉम्ब नीचे गिर रहा है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है ना प्लेन में बैठे हुए इंसान को ऐसा लगेगा कि बॉम्ब सिर्फ नीचे गिर रहा है कि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही नहीं क्यों क्योंकि प्लेन के पास भी यू है और बॉम्ब के पास भी यू है तो प्लेन जो है हमेशा बॉम्ब के ऊपर रहेगा जैसे जैसे बॉम्ब आगे जाएगा प्लेन भी आगे जाएगा ठीक है जी तो कैसी दिखेगी स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन ठीक है ना पैरा बोला पैरा बोला हाइपर बोला यह सब नहीं होगा ठीक है ना ना तो ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये होगा आई होप क्लियर बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> चलो अगला सवाल हाँ थोड़ी सी फुल टॉस है डायरेक्ट मार देना भैया ठीक है ना फुल टॉस है डायरेक्ट मारना द इज एंड टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल चूज द करेक्ट ऑप्शन देखो यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है तो 42 और 48 मिला के, 90 डिग्री बन रहा है तो इनकी रेंज बराबर होगी पक्की बात रेंज बराबर होगी अच्छा हाइट हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वाय टू जी ठीक है ना तो हाइट जो डिपेंड करती, करती है अगर थीटा ज्यादा है तो साइन थीटा भी ज्यादा होगा और साइन थीटा ज्यादा होगा तो हाइट भी ज्यादा होगी तो हाइट डिपेंड करती है एंगल पे एंगल जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा तो एंगल किसका ज्यादा है 48 वाला ज्यादा यानी कि हाइट 2 वाली ज्यादा होगी रेंज 1 और 2 की बराबर है ठीक है जी रेंज 1 और 2 की बराबर है और हाइट किसकी ज्यादा है 2 की ज्यादा है क्लियर है बस सिंपल है अगला सवाल <coughs> देखिएगा <गदर> जरा <रह। coughs> अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर ठीक है ना द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर the swimmer can swim at a speed of 4 km per hour, what should be the direction of swimmer with respect to the flow of the river? To cross the river straight. ठीक है ना? देखो यार, river का जो flow है, वो ऐसे है, दो, ठीक है जी? इस तरफ है. Swimmer को अपने आप को इस तरफ चलाना पड़ेगा, ठीक है ना? इस तरफ चलाना पड़ेगा, तब जाके वो सीधा जा पाएगा क्योंकि उसको सीधा क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है उसको अपनी बोट ऐसे चलानी पड़ेगी या स्विम ऐसे करना पड़ेगा ठीक है ना तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल रखा है ये कितनी है चार और रिवर की वेलोसिटी कितनी है दो तो मैन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी देखो ऐसे बनेगा ट्रायंगल जो मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो ऐसे आएगी ठीक है ना ये चार है ये दो है

पूरा एंगल निकालना है भाई आपको ये पूरा एंगल निकालना है थर्टी तो ये है 90 ये भी तो होगा। तो होगा थर्टी और नाइनटी वन ट्वेंटी है ना आपको एंगल किसके साथ निकालना है रिवर के फ्लो के साथ एंगल कितना है वन ट्वेंटी डिग्री है जो कि सीधा सीधा आपके सामने आंसर है क्लियर तो आई होप कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए अगला सवाल अगला सवाल देखिए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपर्ट्स एट इट्स मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द्वानी बिकम जीरो मैक्मम हाइट पे कौन सी क्वान्टिटी जीरो बॉल को सीधा फेंका गया ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वान्टिटी जीरो हो जाती है वेलॉसिटी जीरो होती है बेटा वेलॉसिटी जीरो होती है ठीक है ना सीधा ऊपर फेंका गया है तो वेलॉसिटी जीरो होती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो मोमेंटम बिल्कुल सही बात है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा यही ऑप्शन होगा बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है मोमेंटम जीरो हो जाएगा ना क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे लेकिन चलो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बेटा ये हाइट पर डिपेंड करती है हाइट तो होगी ना ये जीरो नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन जी होती है जितनी देर वो ग्रेविटी के अंडर है तो उस पर एक्सेलरेशन तो लगेगी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जी होगी ठीक है ना चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पे है चाहे वो कहीं पे भी है एक्सेलरेशन तो नीचे लगी रही है ठीक है ना फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स भी लग रहा है एक्सेलरेशन हमेशा लगेगी फोर्स हमेशा लगेगा पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे तो होगी होगी मोमेंटम जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे ठीक है ना यही पूछा गया था यही टिक कर दिया हमने क्लियर है है ना सीधा सीधा सवाल कोई दिक्कत नहीं सीधी बात नो बकवास अगला सवाल पढ़िएगा जरा सवाल को पढ़िए अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल इक्वल देन विल बी टू एक बॉल को एंगल थीटा पे फेंका गया है और उसकी रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है बराबर है तो आपको बताना है कि भाई टेन uh, थीटा कितना हो देखो सिंपल सी बात है भाई इसका एक शॉर्टकट होता है जो एच r होता है वो टेन थीटा बाई फोर होता है भाई। ठीक है ना जो एच होता है हमारे पास वो टेन थी फोर आता है हाइट और रेंज को डिवाइड करके टेन थीटा बाई फोर आता है जिसको याद है अच्छी बात है नहीं याद तो कर लो याद ठीक है ना अब ये दोनों बराबर दे रखे दोनों बराबर दे रखे हैं तो इनका रेशो क्या हो गया वन वन इज इक्वल टू टेन थीटा बाई फोर तो थीटा कितना आ गया सीधा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा आंसर है सीधा सीधा आंसर ठीक है ना बाई फोर होता है तो एच और आर यहां पे बराबर है तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ गया है अगला सवाल <coughs> ओ वेक्टर भी तो है हाँ वेक्टर से सवाल है भैया देखिए 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 इस बॉल पे देखो आप सिक्स मार सकते हो क्या मीडियम पेस थोड़ी सी मीडियम पेस बॉलिंग है घबराने की लेकिन आवश्यकता नहीं है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है देखो यार ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस्टा ठीक है जी तो बस हमारा यहाँ पे टारगेट यही है कि थीटा निकल जाए वैसे तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है मतलब मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि माइनस वाला ऑप्शन होगा क्या आपको भी फीलिंग आ रही है ए स्क्वायर बी स्क्र माइनस टू ए बी कॉस्टा इसमें माइनस नहीं है इसमें है इसमें है प्लस है इसमें नहीं है इसमें माइनस है लग रहा है मुझे डी होगा मुझे लग रहा है डी होगा बाकी चेक करते हैं ठीक है ना तो तुक्का भी मारना है तो तुक्का भी समझ के साथ ए बी कॉस थीटा ए क्रॉस भी होता है ए बी साइन थीटा दोनों को बराबर करो ए बी ए बी कट गया इज इक्वल्स टू साइन थीटा sin थीटा. थीटा को उधर ले जाओ साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन गया टेन थीटा यानी कि थीटा कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री कॉस फोर्टी फाइव यहां पर पुट करोगे कॉस फोर्टी फाइव कितना होता है वन बाय तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वैसे तो मुझे आंसर पता चल ही चुका है कि भाई डी ऑप्शन है आप लोगों को भी पता चल ही चुका होगा लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी होती है तो टू एग्जाम में तो आप जल्दी ऑब्वियसली कर सकते हो टू ए बी ये टू बाई रूट टू क्या बचेगा रूट टू बचेगा ऊपर तो ये बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू ए बी और फिर पूरे का अंडर फिर पूरे का ये आ गया आंसर खत्म अगला सवाल अगला सवाल फिर से वेक्टर्स पे देखिएगा जरा क्या है सवाल इफ द कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप ऑन आई कैप टू जे कैप अल्फा के कैप आर परपेंडिकुलर आना चाहिए एंड आना चाहिए यहां पे तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू बताइए बहुत आसान है

अल्फा कितना आ गया टेन बाई टू यानी कि फाइव डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है भाई डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है बस और कुछ भी नहीं करना सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट जीरो करें आंसर आपके कदम चूमेगा चलो थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट इसके सवाल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट आ जाइए भैया फटाफट आ जाइए ठीक है ना और ये सवाल आप देखेंगे ये सवाल जेई मेंस में आ चुके हैं बेटा ये जो सवाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जितने भी सवाल आज हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे ये सारे सवाल जई मेंस के अंदर आए हुए हैं ठीक है ना हाँ तो जय मेंस में जो एनटीए ने हाल फिलहाल में पेपर जो बनाने शुरू किए हैं तो जई मेंस का लेवल भी आजकल कुछ ज्यादा नहीं आता ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जई मेन्स में लेकिन ईजी वाले भी काफी आते हैं जो कि नीट में वैसे के वैसे आ सकते हैं ठीक है ना या फिर इनसे मिलते जुलते आ सकते हैं सवाल देखिए देखिए भैया सवाल

डेल्टा म बाय म इन 200 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए इन 200. वैसे तो इसमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. तो कितना एरर है मास म? 1.5 परसेंट का एरर है. तो मास का एरर 1.5 परसेंट. फिर साइड लेंथ में कितना एरर है 1 तो 1 फोर पॉइंट फाइव आ गया देखो सीधा बीपीयू सवाल है बिना पेन उठाए आप कर सकते हो एक तो वन पॉइंट फाइव हो गया ठीक है ना फिर इसका तीन गुना कर दो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि साइड तीन होती है है ना मतलब आ, साइड में आ, साइड का क्यूब आता है वॉल्यूम में ठीक है ना तो सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो अगला सवाल हाँ देखो भैया जरा देखो 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 डायमेंशन पे ही सवाल है डायमेंशन पे ही सवाल है आर सी बी नहीं है भैया ए साल भी नहीं कप जीत पाए लेकिन सवाल देखिए आर सी वी नहीं है मतलब आर सी बी नहीं है आर सी वी है एल बाई आर सी वी एल इंडक्टेंस है आर रेजिस्टेंस है कैपेसिटेंस है और वी वोल्टेज है तो ये बताना आपको देखो यार आपको वैसे पता होना चाहिए एल बाई आर टाइम होता है एल बाई आर की जो डायमेंशन होती है ना एल आर सर्किट में पढ़ते हैं ये टाइम कॉन्स्टेंट होता है मतलब इसकी डायमेंशन टाइम वाली आती है ठीक है ना इसकी जो डायमेंशन है वो किसके वाली आती है टाइम वाली और सी इंटू वी ये होता है चार्ज कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज क्या होता है चार्ज होता है Q equals to C v, ये होता है चार्ज और चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट तो ये टाइम अपॉन चार्ज है ये क्या लिखा हुआ करंट वन अपॉन करंट यानी कि वन अपॉन एम्पियर वन अपॉन एम्पियर मतलब एम्पियर की पावर माइनस वन एम्पियर की पावर माइनस वन खत्म सही है भाई तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू बस सीधा सीधा ऐसा नहीं कि इंडक्टेंस की वहां पे डायमेंशन लिखना शुरू कर दो रेजिस्टेंस की डायमेंशन लिखना शुरू कर दो ये काम नहीं करने बेटा ठीक है ना सीधा सीधा हम यहाँ पे टिक करेंगे ठीक अगला सवाल देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है इसमें अगले सवाल में लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू इज इन मिलीमीटर नंबर ऑफ द वायर इज देखो यार, स्क्रू गॉच के ऊपर सवाल है है ना? के ऊपर सवाल है घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं ऐसा होता है स्क्रू गॉच कैसा ग्रेसा चल रहा है ऐसा होता है स्क्रू स्क्रूग्रॉज जिसमें सर्कुलर टर्न होती हैं ठीक है जी ऐसा और ये मेन स्केल होता है इसका स्केल में जो डिवीजन होती है देखो लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू स्क्रू का का जो लीस्ट काउंट होता है कि वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है वो आती है वन मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल ये होता है ठीक है जी ये फॉर्मूला है हमें एन निकालना है नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितनी है लीस्ट काउंट आपको दे रखा है मेन स्केल का पूरे स्क्रू गॉज का नहीं है मेन स्केल का है यानी कि ये दे रखा है आपको एक्चुअल में ये वन एम दे रखा है इसको लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का वत, समझना बेटा ये वन एम दे रखा है जो कि वन मिलीमीटर है वन मिलीमीटर mm को लिखेंगे मीटर में तो ये टेन की पावर माइनस आ जाएगा

क्वल टू फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स सोल्व कर लीजिएगा दो सौ आ जाएगा ठीक है जी अब तो पावर्स ही हैं टेन की पावर्स के साथ खेलना है आपको दो सौ आएगा समझ गए ना इसको लीस्ट लीस्ट काउंट काउंट नहीं समझना ये मेन स्केल का है मतलब वन मेन स्केल डिवीजन है ये एक्चुअल में पिच है इसको पिच भी कहते हैं याद है ना इसको पिच भी कहते हैं एक्चुअल में पिच दी हुई है और ये है लीस्ट काउंट स्क्रू गॉच का लास्ट सवाल आखिरी सवाल डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यूनोट द डायमेंशन ऑफ बी स्क्र बाई म्यूनॉट वे बीज मैग्नेटिक फील्ड एंड यूजनेटिकमेबिलिटी ऑफ दूम एजा बी स्क्ट होती है मैगनेटिक एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू ठीक है ना अपॉन में वॉल्यूम एल क्यूब तो नीचे बचेगा क्या एक एल बचेगा बस नीचे एक एल बचेगा एल कट गया नीचे एक एल बचेगा तो एम ऊपर आ जाएगा वो एक एल तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू ठीक है जी एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये हमारा आंसर होगा एनर्जी डेंसिटी ठीक है ना एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसी के साथ ये पूरी एन पी एल सीरीज समाप्त हो गई बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बहुत बढ़ चढ़ के आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी इस सीरीज का हमारा मोटिव यही था कि तेज तरार प्रैक्टिस करनी है और हम भी यहाँ पे तेज तरार ही सवाल आपको सॉल्व करवाते हैं ताकि आप जल्दी से अंडरस्टैंड करना सीख पाओ और जल्दी से सॉल्व करना सीख पाओ ठीक है ना तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज में मैं आपसे इजाजत लेता हूं तो उम्मीद करता हूं कि अब नीट के एग्जाम में भी आप छक्के चौके मार के आए ठीक है ना तो काफी इंतजार रहेगा आपसे मिलने का तब तक के लिए शुक्रिया शुभ रात्रि शुभ शैर मैं तनुज बंसल इजाजत लेता हूँ बाय बाय एंड फॉर द वन लास्ट टाइम विनर इज वाट कौन विनर है हमेशा की तरह फिजिक्स टाइटंस है ना हमेशा की तरह एक ही विनर यही है यही रहेगा चलो मार्क्स तो आपके सब में आने चाहिए सी बात है ये तो मजाक की बात है मिलते हैं बाय बाय 11